छात्रा लानोश एकेडमी इंग्लिश स्कूल ए लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 4 में हिंदी विषय ले रहे हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, इससे पहले हमने पत्तों के खेल अच्छे से समझ लिया है और उनका लेखन कार्य भी पूर्ण कर लिया होगा। आज देख रहे हैं चैप्टर 2 दान भावना। दान का मतलब क्या होता है? दान मतलब निस्वार्थ भाव से किसी को कुछ देना। दान देने में हमारा भाव सिर्फ देने का होना चाहिए, उसमें कुछ भी हमें लालच नहीं होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं चैप्टर 2 दान भावना। आओ बच्चों, सबसे पहले हम पाठ 2 दान भावना का पठन कर लेते हैं। श्रीनिवास नाम का एक बालक अपनी दादी के साथ एक नए गांव में रहने आया। वे दोनों गांव के साहूकार के पास पहुंचे। साहूकार मतलब बड़ा व्यापारी। साहूकार अपनी तोंद फुलाए कुर्सी पर बैठा था। दादी और पोते ने साहूकार को प्रणाम किया। दादी ने उससे कहा, मालिक, हम दूसरे गांव से आए हैं, अब यहीं रहना चाहते हैं। आप हमें सिर छिपाने की जगह दे दें, बदले में हम आपके घर के काम कर देंगे। साहूकार ने मन में सोचा, बिना दाम के 2 मजदूर मिल रहे हैं, इन्हें क्यों छोड़ा जाए। वह मान गया। उसने घर के पिछवाड़े उन्हें रहने की जगह दे दी। पिछवाड़े मतलब घर के पीछे का भाग। दादी ने पूछा, साहूकार जी, इसका किराया क्या लगेगा? साहूकार ने चट से बताया, मेरे घर में 4 भैंसे, 3 बैल और 4 गायें हैं। उन सबको चराना होगा, उनके गोबर को पाथ कर उपले बनाने होंगे और उपले बेचकर उनके पैसे मुझे देने होंगे, वहीं उसका किराया होगा। दादी और पोते ने साहूकार की शर्त मान ली। उसी दिन से दादी तो साहूकार के घर का काम करने लगी और पोते ने गांव में ही कोई काम ढूंढ लिया। उनका जीवन चलने लगा। एक दिन की बात है, साहूकार के दरवाजे पर फटे हाल एक भिखारी आ गया। साहूकार ऊंची आवाज में बोला, चलो चलो आगे बढ़ो, मेरे पास कुछ नहीं है। वह भिखारी घूमकर पिछवाड़े की ओर आ गया। दादी को उस पर दया आ गई। घर में जो खाना बना हुआ रखा था वह उसने भिखारी को दे दिया। विदा होने से पहले भिखारी दादी की हथेली पर एक दमड़ी रखते हुए बोला, माँ, तुम इससे अपने पोते के लिए मुरमुरे खरीद लेना। दमड़ी, दमड़ी का मतलब है पुराने जमाने का सिक्का। दादी ने उस दमड़ी को अपनी संदूकची में रख दिया। संदूकची मतलब एक बॉक्स होता है संग्रह करने के लिए, छोटा सा बॉक्स होता है, उसे संदूकची बोलते हैं। वह सोच में थी कि आज अपने पोते को क्या खिलाएगी। तभी उसका पोता खेत से आया। वह भूखा था। दादी ने पोते को सारी बात बताई और कहा, संदूकची में से दमड़ी लेकर कुछ खरीद ला। जैसे ही पोते ने संदूकची खोली, सोने की चमक से सारी झोपड़ी झगमगा उठी। उन्होंने सोना बेचकर सुंदर मकान बनाया, जमीन खरीदी, बैल खरीदे और बड़े किसान बन गए। उनकी समृद्धि देखकर सेठ ने सोचा, काश मैंने उस भिखारी को न भगाया होता। एक दिन वही भिखारी फिर उसके द्वार पर आया जिससे बहुत समय पहले उसने भगा दिया था। साहूकार तोड़कर बाहर आया, भिखारी को सम्मान के साथ अंदर ले आया।
अंदर ले गया। इसके बाद थाली में 56 व्यंजन सजाकर उसके सामने ले आया। व्यंजन मतलब खाना। मुस्कराते हुए भिखारी ने छक कर भोजन किया। छक कर मतलब अच्छे से। जाते हुए वह साहूकार को भी एक दमड़ी दे गया। दमड़ी हाथ में आते ही साहूकार की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने दमड़ी को बड़े जतन से अपनी तिजोरी में रखकर ताला लगा दिया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह बार बार तिजोरी के पास आता और फिर बिस्तर पर लेट जाता। इस तरह पूरी रात घूमते हुए बीती। पौं फटते ही साहूकार तिजोरी खोलने आया। पौं फटते ही मतलब सुबह होते ही। सोना मिलने की खुशी में उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वह सोच रहा था कि उसकी पूरी तिजोरी जगमग कर रही होगी, लेकिन यह क्या हुआ तो बिल्कुल उल्टा। उसकी तिजोरी में रखा हुआ धन कोयला बन चुका था। साहूकार समझ गया कि यह सब करनी का फल है। दादी ने निस्वार्थ भाव से भिखारी को भोजन कराया था, इसीलिए उन्हें वैसा ही फल मिला। निस्वार्थ भाव से मतलब कोई लालच नहीं हो, कपट नहीं हो, कोई स्वार्थ नहीं हो। निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करना। उसने लालच में आकर भिखारी को भोजन दिया था, सो ऐसा फल मिला। इसके बाद से साहूकार का व्यवहार हमेशा के लिए बदल गया। दादी और पोते ने उसे अच्छा सबक सिखा दिया। बच्चों, ये कर्नाटक की एक लोक कथा है। हमने इस पाठ का अच्छे से पठन किया। आपको अच्छे से पठन समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम इस कहानी को देखते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी आपको यह कर्नाटक की लोक कथा? इसमें हमने देखा ना कि श्रीनिवास नाम का एक बालक था। वह अपनी दादी के साथ नए गांव में रहने के लिए आता है। उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। वो दोनों साहूकार के पास पहुंचे। तो दोनों ने साहूकार के पास जाकर बोले कि हमको रहने के लिए जगह दे दो, तो हम क्या करेंगे, उसके बदले में आप जो भी काम दोगे वो हम कर लेंगे। तो साहूकार ने तो सोचा कि हाँ, बिना दाम दिए ऐसे मजदूर मिल रहे हैं, क्यों ना मैं इसका फायदा उठाऊं। वो तो मान गया और अपने घर के पीछे जो रहने की जगह थी वो दे दी। अब दादी ने पूछा कि अब इसका किराया क्या लगेगा। तब साहूकार ने बताया कि किराया तो ठीक है, आप थोड़ा सा काम मुझे करके देना उसके बदले में। मेरे पास 4 भैंस है, 3 बैल है और 4 गायें हैं। आपको क्या करना होगा, उन सबको चराना होगा और उनके गोबर से जो उपले बने ना उसको भी बेचकर उसके पैसे मुझे दे देने होंगे। यह उसका किराया होगा। अब दादी और पोते ने तो शर्त मान ली। अभी क्या हुआ कि दादी तो साहूकार के घर में काम करने लगी और पोते ने भी गांव में एक अच्छा सा काम ढूंढ लिया था। अब एक दिन की बात है कि साहूकार के घर में एक भिखारी आता है और आकर भीख मांगता है। तभी साहूकार तो उसे भगा देता है कि चलो चलो आगे बढ़ो, मेरे पास कुछ नहीं है। तब घूम कर वह घर के पिछवाड़े जाता है जहाँ पे दादी थी। भिखारी दादी से भीख मांगता है तो दादी को भिखारी पर दया आई कि बेचारा भूखा है, चलो मैं कुछ खाने के लिए दे दूँ। तो दादी ने भिखारी को खाने के लिए दिया, जबकि अपने पोते के लिए उसने खाना रखा था, वह खाना उसने भिखारी को दे दिया। भिखारी तो खाना खाकर खुश हो गया और जाते जाते एक दमड़ी देके गया। दमड़ी देके गया और जैसे ही दादी का पोता आता है
तो आकर खाने के लिए बैठता है, पर खाना नहीं था। तो दादी ने पोते को सारी बात बताई कि बेटा ऐसा ऐसा हुआ, भिखारी आया था और मैंने खाना उसको दे दिया, ये दमड़ी दे के गया है, ये दमड़ी लेकर जा और हो सके तो इसमें से कुछ खाना लेकर आओ। जैसे ही अपनी पेटी में, संदूकची में दमड़ी को रखा था ना, वो दमड़ी जैसे ही दादी ने खोली तो सोने से पूरा घर झगमगाने लगा। क्या हुआ, संदूकची जैसे ही खोली तो आश्चर्य हुआ कि सोने से पूरी झोपड़ी झगमगाने लगी। अब क्या किया, उन दोनों ने तो बहुत खुश हो गए और सोना बेचकर एक सुंदर मकान लिया, जमीन खरीदी, बैल खरीदे और बड़े किसान बन गए। अब इसकी इतनी सफलता देखकर साहूकार मन में सोचने लगा कि मैंने भिखारी को न भगाया होता तो मैं भी आज इतना धनवान होता। एक दिन वही भिखारी फिर से आता है और जब आता है तो साहूकार तो दौड़कर बाहर आ जाता है और सम्मान के साथ भिखारी को अपने घर में ले आता है और 56 तरह के व्यंजन बनाकर उसके सामने रख देता है। भिखारी अच्छे से भोजन तो कर लेता है, जाते जाते साहूकार को एक दमड़ी देकर जाता है। अब साहूकार के हाथ में दमड़ी आती है ना, तो साहूकार तो एकदम खुश हो जाता है और दमड़ी को कहाँ रखता है, अपनी तिजोरी में रखता है। उसे पूरी रात नींद भी नहीं आती है और बार बार तिजोरी के पास जाए और बिस्तर में लेटे, तिजोरी के पास जाए और बिस्तर में लेटे, इस तरह से घूमते घूमते उसने पूरी रात निकाल दी। अब जैसे ही सुबह हुई तो साहूकार ने क्या किया, सोने मिलने की लालसा थी उसे तो कि मुझे इसमें से सोना मिलेगा, तो तिजोरी जैसे ही उसने खोली तो हुआ बिल्कुल उल्टा। क्या हुआ, उसकी तिजोरी में तो जो धन रखा गया था ना वो भी कोयला बन चुका था। अभी साहूकार को तो अच्छे से समझ में आ गया कि यह करनी का फल है। दादी ने क्या किया था, निस्वार्थ भाव से सेवा की थी कि चलो ये भिखारी भूखा है तो मुझे उसे खाना देना चाहिए। इस हिसाब से दादी ने निस्वार्थ भाव से उस भिखारी की सेवा की थी, इसीलिए दादी को उसका अच्छा फल मिला। जबकि साहूकार ने तो लालच में आकर भिखारी की सेवा की, उसको लालच था कि मुझे भी कुछ मिलेगा, इस आशा में उसने सेवा की भिखारी की, तो उसे उसका ऐसा फल मिला। तो अब तो साहूकार बिल्कुल समझ गया था कि अगर हम निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे तो ही हमें अच्छा फल मिलेगा। तो बच्चों ऐसा ही होता है कि अगर हम किसी को कोई चीज की जरूरत हो तो अगर हम निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करते हैं ना, तो ईश्वर हमें अवश्य उसका फल देते हैं। हमारे मन में कोई लालच नहीं होना चाहिए, सेवा करते समय हमारा भाव सेवा किए ही होना चाहिए, कभी भी लालची भाव नहीं होना चाहिए, तो हमें इसका फल ईश्वर अवश्य देते हैं। तो बच्चों मजा आया ना आपको यह कहानी सुनकर, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला ना। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे हम इस कहानी का किताबी अभ्यास देखेंगे। धन्यवाद।